तो हेलो वालों, कैसे हो? मैं मनीष और आप लोग देख रहे हो जी डब्ल्यू मनीष यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक का आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था। आने वाले कुछ टाइम पे ऐसी कौन से रेयर आइटम्स है जो कि रिटर्न कर सकते हैं। मैं कुछ लॉजिक्स के अकॉर्डिंग कहूंगा, मैं कोई भी लीक्स नहीं देने वाला हूं, कोई भी अपडेट नहीं बताने वाला हूं कि भाई इस लीक अपडेटर ने ये बताया वो बताया। मैं खुद के लॉजिक के साथ बताऊंगा कि ये चीज आगे जाके रिटर्न क्यों आ सकती है। मेरे टाइम वेस्ट से इस वीडियो को शुरू करने के उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं कर इस वीडियो को लाइक कर दो मेरे भाई, और चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। बाजू में बेल नोटिफिकेशन बेल है उस पर सेट कर लो, क्योंकि आप लोगों को फ्री फायर से ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस चैनल पे मिलते रहेगी। तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो क्या करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाकर इस इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। तो गाइस, फिफ्थ नंबर पे जो आइटम है जिसके चांसेस है काफी ज्यादा रिटर्न आने के, वो है हमारे M10 का इंक्यूबेटर। हाँ भाई लोग, आपने बिल्कुल सही सुना। देखो, इंक्यूबेटर काफी ज्यादा रिटर्न आ रहे हैं, और बात रही गन स्किन की तो देखो पोकर में बोड़ी कई बार रिटर्न आ चुका है, एंड हाल ही में शायद फिर से रिटर्न आने वाला है। बट हमारा इंक्यूबेटर है जो M10 का काफी ज्यादा डिमांड है, इसका काफी ज्यादा रेयर भी है, तो इसके चांसेस बढ़ जाते कि रिटर्न आएगा। क्योंकि ये जो M10 की स्किन है इनकी डिमांड काफी ज्यादा है, स्पेशली ये टॉप वाला जो रेड वाला है ये M10, इसके वजह से तो पूरे इंक्यूबेटर की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि इसके एट्रीब्यूट काफी ज्यादा सही है। मतलब पर्सनली मैं खुद चाह रहा था कि मेरे को भी ये मिले, बट मेरे को नहीं मिला। ये लोग M10 यूज ना करते हो, बहुत कम यूज करते हो, लेकिन देखना 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि पक्का आप लोग में 90% लोग ये M10 इंक्यूबेटर के कोई ना कोई गन स्किन को पसंद करते हैं। मेरे पास भी एक इंक्यूबेटर है M10 का, वो ये ग्रीन वाला, क्योंकि उस टाइम मेरे पास एक ही मतलब ब्लूप्रिंट था, स्टोन थे ज्यादा, लेकिन ब्लूप्रिंट नहीं था, ब्लूप्रिंट बड़ी मुश्किल से निकला था मेरे को, मेरे पास एक ग्रीन वाला। आपके पास कौन सा मुझे कमेंट में जरूर से बताना। तो गाइस, फोर्थ नंबर पे जो बंडल आता है जो आने वाला है रिटर्न काफी जल्दी, जैसे कि बहुत ज्यादा चांसेस है क्योंकि इसकी डिमांड काफी ज्यादा है, ये मिस्ट्री शॉप 5.0 का बंडल है। आप ये चीज लिख के ले लो मेरे से कि आने वाले 3-4 महीनों में पक्का 100% ये बंडल आपको कहीं ना कहीं रिटर्न देखने मिलेगा। एज यूजुअली मिस्ट्री शॉप का बंडल है, गरीना को वापस लाना है कोई बड़ी बात नहीं है, और इसकी डिमांड काफी ज्यादा है, क्योंकि देखो अभी के टाइम पे फ्री फायर को कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट जनरेट करना है, तो मेरे हिसाब से वो धीरे धीरे करेगा करेगा, डायरेक्ट हिप हॉप को तो ला नहीं देगा ना। मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे पहले मतलब स्टार्टिंग के टाइम में या तो वो पहले इंक्यूबेटर लाएगा या तो ये लाएगा। देखो अभी के टाइम में फ्री फायर वही चीजों को रिटर्न लाने वाला है, वही चीजें वापस देने वाला है जिससे उनको काफी ज्यादा प्रॉफिट हो, एंड वो धीरे धीरे करके लाएगा, एक साथ सभी चीजों को नहीं ला देगा, वरना लोगों के पास पैसे ही नहीं बचेंगे। पैसे कमाने में भी टाइम लगते हैं ना, पैसे उड़ाने में तो जल्दी उड़ जाते हैं, लेकिन लोगों को टाइम लगेगा ना भाई, पैसे एक ही साथ खत्म कर देंगे तो बाकी इवेंट्स में कौन लाएगा पैसे। यही बात है, आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों के पास ये बंडल है या फिर नहीं। तो बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ, जो कि रिटर्न आ सकता है वो है हमारा क्रिमिनल बंडल। अब देखो, इसका हिंट हमको बहुत समय पहले मिल गया, जब आज से 8-9 महीने पहले हमारा जो ग्रीन क्रिमिनल है वो रिटर्न आया था, तभी हम लोगों को हिंट मिल गया कि हाँ भाई ये क्रिमिनल भी रिटर्न आ सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे सर्वर है, छोटे मोटे सर्वर होते हैं ना, उन सर्वर में पूरा क्रिमिनल का इंक्यूबेटर भी रिटर्न आ चुका है। दिक्कत ये थी कि वो इंक्यूबेटर में नहीं आया था, वो कोई दूसरे इवेंट में आया था, लेकिन क्रिमिनल बंडल सारे के सारे दूसरे सर्वर में रिटर्न आ चुके हैं। एक तो छोटे मोटे सर्वर होते हैं ना, उनमें रिटर्न आ चुके हैं। कुछ देर पहले कहा, जब हमारे गेम में आया था ग्रीन क्रिमिनल तभी हम सभी को हिंट मिल गया था, और बताओ कि आपके पास ग्रीन क्रिमिनल है या फिर नहीं। तो अगर ये जो क्रिमिनल है ये सभी क्रिमिनल का एक पार्ट है ना, तो फ्री फायर एक बहुत ही रेयर पार्ट को वापस ला सकता है, जो कि सबसे रेयर ग्रीन क्रिमिनल है उसको वापस ला सकता है, तो बाकी क्रिमिनल्स को क्यों नहीं। फिर से वही बात कहूंगी, फ्री फायर सब चीज को एक साथ नहीं लाएगा, जब भी क्रिमिनल को रिटर्न लाएगा तो एक बहुत बड़े स्टेज के लिए लाएगा, जैसे कि 15 दिन के लिए लाएगा वो कोई भी इवेंट में, अगर इंक्यूबेटर में होकर 15 दिन के लिए लाएगा जहां तक मेरे को पता है, एंड उस टाइम पे लाया जाएगा जब आसपास कोई भी इवेंट अच्छे वाले इवेंट ना शुरू, ताकि लोग दबा के इसमें पैसा उड़ा सके। कुछ समय पहले तक ऐसे बोरिंग इवेंट देंगे, फिर अचानक से इंक्यूबेटर को ला देंगे या फिर पूरे क्रिमिनल को रिटर्न ला देंगे, ताकि बोरिंग इवेंट में कोई पैसे खर्च नहीं करेगा ना, फिर अचानक सभी इसमें करेंगे, जिस वजह से फ्री फायर को इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली बोल सकते हो जो वो चाहते हैं वो उनको मिल जाएगा। तो मानना तो पड़ेगा यार, क्रिमिनल पक्का रिटर्न करेगा। अब इसके भी चांसेस है कि आने वाले 3-4 महीने में कम बैक करेगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि फ्री फायर भी उसी टाइम पे आने वाले हैं हमारे फिर से इंडियन सर्वर में, और जब भी इंडियन सर्वर में आएंगे तभी के तभी फ्री फायर सभी चीज़ों को वापस लाएगा, चांसेस आर हाई, क्योंकि अभी आसपास में तो फ्री फायर रिटर्न करेगा ऐसा कहीं से पता नहीं चल रहा है। मॉडरेटर्स भी हम लोगों को यही इशारा दिए कि 3-4 महीने और टाइम लग सकता है, क्योंकि जो गरीना फ्री फायर है जो बैन हुआ है वो नहीं आएगा, उसके बदले शायद न्यू ऐप आने वाला है, ऐसा लग रहा है मेरे को BGMI की तरह। तो अभी गाइस बढ़ते हैं हम लोग नंबर 2 की तरफ, जो कि नंबर 2 पे आता है, बल्कि 2 बंडल है। सबसे पहले आपको एक बंडल दिखाता हूँ, वो है ये काला चोटी वाला बंडल, इसको आयरन टेल बंडल भी कहते हैं, या फिर इस बंडल का नाम क्या था भाई, मैं वही भूल गया। आई थिंक आयरन टेल नहीं था, आयरन
ब्लेड बंडल था जहां तक मेरे को याद है, हाँ आयरन ब्लेड बंडल ही था। तो ये बंडल भी देखो, मैं 101% लिख के कहता हूँ कि आप लोग में से 90% लोग इसके जो काली चोटी है ना उसके पीछे दीवाने होंगे। और फ्री फायर यही तो करने वाला है, क्योंकि देखो ये पहले भी एक दो बार रिटर्न आ चुका है, ऐसा नहीं कि भाई एक ही बार है हमारे गेम में, नहीं कई बार रिटर्न आ चुका है। तो कई बार रिटर्न आ चुका है वो आइटम, वो और आगे जाके रिटर्न क्यों नहीं आएगा भाई, 101% आएगा। कितने बार रिटर्न आ चुका है आपको भी पता, लेकिन फिर भी ये हमारे गेम में अभी भी काफी ज्यादा रेयर है। मैंने कहा ब्लैक चोटी वाला बंडल ऐसे डिटो, एक और कॉपी है वो व्हाइट वाली, बट ये ज्यादा रेयर नहीं है, ज्यादा रेयर तो वो ब्लैक वाला है, ब्लैक चोटी वाला। बट जब ब्लैक चोटी आएगा तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये भी उसी के साथ रिटर्न में आएगा, और इसकी भी डिमांड काफी ज्यादा है। वैसे मेरे पास मेरे को उसकी कदर नहीं, जब नए नए लेयर है तो काफी ज्यादा यूज करता था। तो फाइनली गाइस बढ़ते नंबर वन की तरफ, और नंबर वन पे आता है हमारा बनी बंडल। अब मैं नंबर वन पे बनी बंडल को आखिर क्यों रख रहा हूँ, क्रिमिनल तो बनी बंडल से भी रेयर है, लेकिन भाई क्रिमिनल थर्ड पे था तो ये मतलब नंबर वन पे कैसे, इसके आने के चांसेस काफी ज्यादा कम है। अब मैं बताता हूँ, नो डाउट ये हमारे गेम में एक और बार, जहां तक मेरे को याद है एक ही या फिर दो ही बार आया था जहां तक रिटर्न में आया था, हाँ दो ही बार आया था, बट फिर भी काफी ज्यादा रेयर है क्योंकि ये बहुत महंगे इवेंट में आया था, काफी कम लोगों के पास ही था। ये आएगा रिटर्न, मेरे को पक्का पता है कि आने वाले कुछ महीनों में रिटर्न आएगा, लेकिन दिक्कत ये है कि फिर से इसको महंगे इवेंट में डाला जाएगा, क्योंकि हमारे इंडियन सर्वर में एक काफी पॉपुलर प्लेयर राइस्टर वो इनको यूज करते हैं, यही बंडल को यूज करते हैं, इसलिए वो काफी ज्यादा डिमांडिंग बन चुका है। जो चीज ज्यादा डिमांडिंग रहेगी उसको फ्री फायर ऐसी हल्के फुल्के मतलब थोड़े से डायमंड में नहीं देगा, काफी ज्यादा डायमंड लगने वाले हैं। जितने मेरे बंडल्स बताए, जितने भी आइटम्स बताए वो रिटर्न आने वाले हैं, ये तो कंफर्म हो चुका है। मैं बोल रहा हूँ आएगा मतलब आएगा, लेकिन कब आएगा, तो देखो जब तक फ्री फायर अनबैन नहीं होगा तब तक इसके आने के चांसेस काफी ज्यादा कम है, क्योंकि अभी के टाइम पे फ्री फायर क्रेज पहले ही काफी ज्यादा कम हो चुका है, क्योंकि फ्री फायर प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है। जब फ्री फायर प्ले स्टोर में अवेलेबल होगा तभी जाके ये सब चीजों को वापस लाएं, क्योंकि एक बार वापस लाने के बाद वापस फ्री फायर प्ले स्टोर रिटर्न आएगा तब वापस लाएंगे तो भाई कौन खरीदेगा, है ना। तो फ्री फायर में जब रिटर्न आएगा तो फिर से पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, फिर जाके भाई फ्री फायर को तगड़ा वाला प्रॉफिट होगा, लेकिन अभी मेरे को लग नहीं रहा है कि इतने कम पॉपुलैरिटी में इतना कम क्रेज हो चुका है फ्री फायर का, तो बाकी सारी चीजें जो कि रेयर है उसको रिटर्न लाने वाला है। भाई आप कैसे सोचते हो शॉपिंग, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर जल्दी से सब्सक्राइब करवा दो, बेल नोटिफिकेशन पे सेट कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू एंड पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।